फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आज के सेशन में हम ये जानेंगे और ये समझेंगे कि एक स्कूल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर की है और होपफुली आप सभी को हेल्प रहेगा इसके अंदर। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो हम एक बार समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्कूल में रिक्वायरमेंट रहती है इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान। सबसे पहले सर रहता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, मेंटेन स्टूडेंट प्रोफाइल विद हिज पर्सनल डिटेल्स। दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें चाहिए कि बिजी के अंदर स्टूडेंट का एक प्रोफाइल मैनेज हो जिसके अंदर हम स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स को भी कैप्चर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए जैसे उनका एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, या उनके गार्जियंस की डिटेल, उनके पेरेंट्स की डिटेल। तो इस तरीके की चीजें हम बिजी में देखेंगे आगे। नेक्स्ट फिर एक हमारा ऑप्शन है सर, व्यू द रिपोर्ट लिस्ट ऑफ फी डिफॉल्टर, की अगली क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो मेजर रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये रहती है स्कूल में कि फीस तो ड्यू हो जाती है, फीस ड्यू कर दी जाती है। जब फीस रिसिप्ट होने लगती है, वन डे बाय डे आती है, सेम डे पे तो सबकी फीस डिपॉजिट नहीं होती है, तो मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं या ऐसी कौन सी क्लासेस हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स की जो फीस है वो डिफॉल्टर्स हो रही है। मीन्स कि वो फीस रिकवर नहीं हो रही है पास्ट 2 महीने से, 1 महीने से, या करंट मंथ की अगर ड्यू हो गई है तो वो रिसीव नहीं हुई है, या एक इस तरीके की लिस्ट मिल जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। तो वो रिपोर्ट हम बिजी में कैसे कन्फिगर करेंगे। नेक्स्ट फिर है हमारे पास, मैनेज स्टूडेंट्स सेपरेटली हु इज अवेलिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सर स्कूल्स के साथ साथ उसमें कुछ और भी अदर फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, या म्यूजिक क्लासेस हो गई, या दूसरी अदर एक्टिविटीज हो गई स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो हमें ऐसा भी चाहिए होता है स्कूल मैनेजमेंट के अंदर कि स्टूडेंट्स को कुछ इस प्रकार से मैनेज करना है कि हमें अलग से पता लग जाए कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेते हैं और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नीड टू जनरेट फी इनवॉइसिंग इन बल्क ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मतलब सबसे पहले रहता है कि स्टूडेंट्स की फीस को ड्यू करना है। रिसिप्ट तो हम तभी कर पाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, कि जब पहले उसकी फीस हमारी ड्यू हो जाएगी। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम बल्क में और क्लास वाइज, स्टूडेंट वाइज और उनके कंपोनेंट वाइज फीस को ड्यू कर सके? वन बाय वन करने जाएंगे तो एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासेस वाइज, सेक्शन वाइज, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्या बिजी हमें ऐसा कुछ प्रोविजन दे सकता है कि हम जनरेट कर सकें बल्क में फीस के वाउचर्स को? आगे नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है, इशुएंस ऑफ फीस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट टू स्टूडेंट, कि जब हम अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट करेंगे, फीस को रिसीव करेंगे स्टूडेंट से या पेरेंट से, तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि फीस स्लिप देनी है, और जिसके ऊपर डिटेल्स होनी चाहिए कि वो किस पीरियड की है फीस हमारी, या फिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे वो देखते हैं। फीस रिसिप्ट हम रिसिप्ट वाउचर से कैसे देंगे वो देखने वाला चैलेंज रहेगा बिजी की आज की प्रेजेंटेशन में। आगे चलते हैं, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू प्रिंट फी रिसिप्ट इन बल्क। अब सर अगेन क्वेश्चन आया कि मान के चलते हैं कि जैसे रिसिप्ट आई और हैंड टू हैंड हम लोगों ने रिसिप्ट नहीं दी स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को, हमने कहा कि सर जैसे ही हमारी रिसिप्ट है कि बाय द नेक्स्ट वीक या 10th ऑफ एवरी मंथ आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाएगी, या हम बल्क में उसको प्रिंट कर सकते हैं क्या? कि जैसे हमने कहा हर मंडे को पिछले पूरे वीक की जितनी भी रिसिप्ट आई है उनकी फीस हमें रिसिप्ट बल्क में प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाए, वन बाय वन ना करनी पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोविजन रिक्वायर्ड टू प्रिंट इनवॉइस फी बिलिंग इन बल्क। अब जैसे रिसिप्ट हमने प्रिंट करी, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो रिसिप्ट वाउचर से प्रिंट होगी बल्क में, ठीक इसी प्रकार से जो हम फीस को ड्यू करने की एंट्री करेंगे बिजी में, अकाउंट्स में जो हम फीस को ड्यू करने की एंट्री करेंगे उनकी भी एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट क्या प्रिंट हो सकती है बल्क के अंदर, वो भी हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। अगली रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायर प्रोविजन टू डिफाइन ऑपरेटर्स रोल्स एंड ड्यूटीज। अब एक स्कूल है तो उसमें ऐसा भी सिनेरियो रह सकता है कि एक आपने कैश काउंटर अलग किया हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ फीस आपकी रिसिप्ट की जाएगी और वहां से आपको स्लिप मिलेगी, बाकी सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैकएंड पे काम कर रहा है स्कूल के अंदर, जो भी स्कूल के एक्सपेंसेस हैं, जो भी सैलरीज हैं टीचर्स की या अदर जो भी अकाउंटिंग काम है, तो उसके अंदर हम सभी को पता है कि बिजी में हम सब यूजर के थ्रू उन चीजों को कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हम किन किन ऑपरेटर्स को और क्या क्या राइट्स हमें देने चाहिए या
दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रोविजन टू सेंड रिसीव टू कंसर्न वेयर ईमेल एसएमएस इन बल्क, प्रोविजन टू सेंड फी रिसीव टू कंसर्न वेयर ईमेल एंड एसएमएस इन बल्क। क्या कुछ ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो उनकी फीस रिसिप्ट है वो एसएमएस के थ्रू हम इंटीमेट करा दें, ईमेल के थ्रू इंटीमेट करा दें, और ये एसएमएस और ईमेल बल्क में हो जाए, वन बाय वन ना करने पड़े हमें, बल्क में हो जाए। नेक्स्ट एक रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जर्नली, डेली फी कलेक्शन रिपोर्ट समरी रिसिप्ट मोड वाइज, जिसका मतलब कि हमें एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए कि जिसके अंदर हमें डेली बेसिस पे ये पता लग जाए कि टोटल हमारे पास कितनी रिसिप्ट आई है, फीस के कंसेप्ट में फीस हमें कितनी रिसिप्ट हुई है, और वो फीस अगर अलग अलग मोड में आ रही है, जैसे मोड भी आजकल हम सभी को पता है सर, एक से बहुत मल्टीपल मोड्स हैं पेमेंट करने के, ई पेमेंट्स भी है, एनईएफटी भी है, आरटीजीएस भी है, अकाउंट टू अकाउंट भी है, कैश भी है, चेक भी है, तो हमें मोड वाइज भी चाहिए क्लैरिफिकेशन कि किस मोड में कितना कलेक्शन आया है, वो हम कैसे मैनेज करेंगे। और लास्ट जो एक रिक्वायरमेंट है, डिटेल्ड फी कलेक्शन रजिस्टर्ड क्लास स्टूडेंट मंथ और क्वार्टरली वाइज, ये अगेन इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस क्लास की क्वार्टरली में कितनी रिसिप्ट आई है, या मंथ में कितनी रिसिप्ट आई है, या कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पूरे साल में किस मंथ रिसिप्ट आ चुकी है, किस मंथ की फीस उन्होंने पे कर दी है, और पूरे साल में कौन सा मंथ है कि जहाँ पे उनकी फीस रिसिप्ट नहीं की गई है, तो ये भी रिपोर्ट हम बिजी में देखेंगे। तो ये कुछ हमारे ऑप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के, जो इस पीपीटी के थ्रू हम अब आगे चलेंगे और इन ऑप्शंस को समझेंगे कि बिजी में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट प्रोफाइल, तो ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट है सर आप सभी लोगों के साथ स्क्रीन पर, कि स्टूडेंट प्रोफाइल में क्या क्या चीजें जनरली मांगी जाती हैं और उसको बिजी में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे पहले आप देखिए स्टूडेंट का नेम आ गया, नेक्स्ट हम अलियास में हमने रोल नंबर डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स का, क्लास ग्रुप को बनाया हुआ है हमने अकाउंट ग्रुप को यहाँ पर, और सेक्शन यहाँ पर हमने जो डेवलप किया है वो अकाउंट कैटेगरी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है हमने स्टूडेंट्स का, कंट्री स्टेट बताया हुआ है, और अदर सारी डिटेल्स। अब हमारे साथ जो पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स आज नए भी हो सकते हैं और काफ़ी सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, तो सभी को पता है ऑलमोस्ट, और नहीं पता है तो मैं जस्ट एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि बिजी के अंदर हम आइटम मास्टर की स्क्रीन और अकाउंट मास्टर की स्क्रीन, या आप ये कहिए कि जो मास्टर की स्क्रीन्स होती हैं, जितने भी टाइप्स के मास्टर्स होते हैं उनकी जो स्क्रीन होती है, उनके जो कैप्शंस हैं वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप कि सभी को पता होगा, और जिनके लिए नहीं पता है उनके लिए नया फीचर एक ऑप्शन है कि हम कैप्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कैप्शंस है वो इस तरीके से बिजी में नहीं आते हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट प्रोफाइल है आपकी बिजी के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फीस एक्नॉलेजमेंट स्लिप, कि जैसे हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया अभी कि एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब फीस रिसिप्ट हो जाए तो एक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आनी चाहिए वहां पर, जो हम कस्टमर सॉरी स्टूडेंट्स को दे सकें, पेरेंट्स को दे सकें एक्नॉलेजमेंट के रूप में कि हाँ आपकी इस मंथ की फीस हमें रिसीव हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कि सेशन हमारा कौन सा है, 2018-19 है, स्कूल का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज, रिसिप्ट नंबर, डेट आ गया, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एडमिशन नंबर हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सर, अभी इसमें छोड़ा हुआ है हमने, क्लास एंड सेक्शन कि कौन सा क्लास का स्टूडेंट और क्या सेक्शन है उनका, एंड कॉन्टैक्ट नंबर, और फीस का पीरियड, कौन से पीरियड की ये फीस की एक्नॉलेजमेंट इनको दी जा रही है। और नेक्स्ट आता है फीस डिटेल, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट फीस, सिक्योरिटी चार्ज फीस, अदर एक्टिविटी, कोचिंग फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में वैल्यू जीरो दिखी है, दिखाई दे रही है हमें, जीरो शो की जा रही है, जिसका मतलब है कि ये स्टूडेंट उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं सर। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कि रिसिप्ट जो इनको मिली है एक्नॉलेज, इसमें इन्होंने पेमेंट किस मोड से करी है, सर चेक से करी है, अमाउंट और ऑथराइज सिग्नेचर ही, जहाँ पे कंसर्न पर्सन ऑथराइज पर्सन स्टैम्प के साथ इसको ऑथराइज और वैलिडेट करके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो ये फीस एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। आगे हमारे पास एक स्लाइड है, फीस कलेक्शन समरी रिपोर्ट, जैसे कि एक हमने शेयर किया था रिक्वायरमेंट्स में कि हमें डेली बेसिस पर, डे बेसिस पर
एक कलेक्शन रिपोर्ट चाहिए होती है जिसमें हमें पता लगे कि कौन से क्लास का स्टूडेंट था, कौन स्टूडेंट का नेम क्या था, रोल नंबर क्या था, और उसने किस मोड के अंदर हमें फीस सबमिट कराई है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फीस का रिसिप्ट, स्टूडेंट का रोल नंबर, फीस का रिसिप्ट नंबर, रोल नंबर, पर्टिकुलर्स हम देखेंगे, स्टूडेंट्स का नेम आ रहे हैं, क्लास हमें शो हो रही है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है स्टूडेंट हमारा, और मोड ऑफ पेमेंट, उन्होंने जो रिसिप्ट जो हमें पेमेंट करी है फीस की वो किस मोड से करी है, और डे एंड पे हमें उस डे का टोटल मिल जाएगा हर एक मोड में कि कैश में कितना कलेक्ट हुआ, पेटीएम से कितना आया, चेक से कितना आया, और HDFC बैंक से क्या कलेक्ट हुआ हमें। तो ये रिपोर्ट है हमारी फीस कलेक्शन समरी की। नेक्स्ट सर, अगली रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कि एक लिस्ट चाहिए, एक रिपोर्ट ऐसी चाहिए जिसके बेसिस पे, जिससे हम ये एनालाइज कर सकें, ये पता कर सकें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो फीस है वो पेंडिंग हो गई है या अभी तक रिसीव नहीं की गई है। तो ये हम फीस डिफॉल्टर्स की जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से हम कन्फिगर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर फीस का आ गया, डेट आ गई, और टोटल अमाउंट, अमाउंट के साथ साथ बाइफर्गेशन है कि किस मोड में हमारे पास कितने पैसे उनसे लिए जाते हैं, पेंडिंग अमाउंट कि अभी इनकी फीस ड्यू है और ड्यू हो चुकी है और ड्यू डेट हो गए, ओवर होने के बाद ये 2 दिन हो गए हैं हमारे पास, फीस अभी तक रिसीव नहीं की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, और ये रिपोर्ट हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, समराइज करके, फिल्टर करके, डबल समराइज करके, कि क्लास वाइज चाहिए, रोल नंबर वाइज चाहिए, या सेक्शन वाइज चाहिए, तो मल्टीपल तरीके से हम इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, लेट सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स इन बिजी। तो ये तो सर कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जो बिजी में हमने लिए हैं और इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाए कि हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। अब देखने वाला पार्ट ये है कि बिजी में हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं बिजी की तरफ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो रिस्पेक्टेड पार्टनर्स, वेलकम इन बिजी। ये आपका बिजी सॉफ्टवेयर, हम आ गए हैं बिजी सॉफ्टवेयर में अपने, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से पूरा करें। लेकिन अभी इससे पहले एक स्लाइड हमारी पेंडिंग रह गई है जो मैं समझता हूँ कि शायद मुझे आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। तो वापस एक बार मैं स्लाइड की तरफ लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास कि हमने रिक्वायरमेंट्स तो सर डिस्कस करी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट स्कूल में रहती हैं, और कुछ हमने स्क्रीनशॉट्स भी देखे कि रिपोर्ट्स के, फीस एक्नॉलेजमेंट के, और स्टूडेंट प्रोफाइल्स के बिजी में। अब इसके बाद क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं बिजी में, या वो कौन से सेट ऑफ फीचर्स हैं बिजी में जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे इन सारी इम्प्लीमेंटेशन को बिजी में करने के लिए। तो आइए देखते हैं सर कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास जो हम यूज करेंगे इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बिल बाय बिल डिटेल्स का, और इसके अंदर मस्ट है, ये मैंडेटरी है बिल बाय बिल के अंदर कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, बहुत कम शायद ऐसे यूजर्स होंगे या जो इसको यूज करते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में मेजरली यूज होता है, इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंसेज। बिल बाय बिल जब आप कन्फिगर करते हैं तो वहां पे एक सब ऑप्शन होता है इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंसेज। आज इसका यूज देखेंगे सर, बहुत ही इम्पैक्टफुल यूज है इस ऑप्शन का बिजी के अंदर। आगे चलते हैं, मेंटेन अकाउंट कैटेगरी फीचर है अकाउंट्स के अंदर हमारे पास, अकाउंट कैटेगरी को मेंटेन करने का, ये हमें इनेबल करना होगा। मेंटेन मल्टीपल अकाउंट अलियाज, कि हमारे पास एक फीचर होता है कि एक अकाउंट मास्टर के हम मल्टीपल अलियाज मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बिजी में, वो फीचर भी हमने यूज किया है इम्प्लीमेंटेशन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स बिजी 18 का फीचर था सर, सभी हम सभी को नोन है, और इसको हमें इनेबल करना है अकाउंट्स मेन्यू से। फिर एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, टैग सेल परचेज अकाउंट विद आइटम। जनरली टैग सेल परचेज अकाउंट जब भी एक फ्रेश कंपनी हम बिजी में क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो होता है सेल परचेज टाइप के बेसिस पर, लेकिन क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट्स को लेकर के और फाइनल रिजल्ट्स को लेकर के बिजी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, तो हमें ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज करके फीचर को यूज करना होगा आइटम लेवल पे, हमें सेल टाइप परचेज टाइप से हटा करके इसको इनेबल करना होगा आइटम लेवल पे। ये हमारा इन्वेंटरी मेन्यू का फीचर है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट ऑप्शनल फील्ड्स, ये अगेन सर बिजी की पावरफुल चीजों में से एक है कि ऑप्शनल फील्ड्स का जो प्रोविजन है, हम बहुत ही जगह पर इम्प्लीमेंटेशन में ऑप्शनल फील्ड्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत हेल्पफुल रहता है एज अ इम्प्लीमेंटर, हमें बहुत
हेल्पफुल रहती हैं ऑप्शनल फील्ड्स इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो वो भी हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास सेट वाउचर एज टेम्पलेट, सेट वाउचर एज टेम्पलेट। कॉन्फिगरेशन मेन्यू में एक फीचर होता है हमारे सेट वाउचर एज टेम्पलेट और वाउचर रेप्लिकेशन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे सर बिजी में स्कूल मैनेजमेंट के लिए। फिर आगे चलते हैं, शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ मास्टर कॉन्फिगरेशन में जनरली देखा होगा आप लोगों ने अकाउंट्स के नीचे जब हम ड्रॉपडाउन में कोई भी अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ डिफॉल्ट चीजें आती हैं जैसे सेल प्राइस, एमआरपी, टैक्स परसेंटेज, और इसी तरीके से हमने इसको यूज किया है। अब देखने वाली चीज ये रहेगी कि हमने यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करानी चाहिए, तो वो देखेंगे अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आगे आते हैं एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंसेज। एक्चुअली ये वाला जो फीचर है हमारा एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंसेज, ये बिल बाय बिल का ही पार्ट है, सब पार्ट है इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस की तरह। तो मेक श्योर करें कि अमाउंट एलोकेशन जो रेफरेंसेस के हैं वो फुल होने चाहिए, पार्शियल एडजस्टमेंट ना कर सके कोई भी ऑपरेटर, तो ये चीज जरूरी है। इसी बेसिस पे हमें हमारी पेंडिंग की डिफॉल्टर्स की लिस्ट जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट मिल पाए। नेक्स्ट है पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, और इसमें लेना है हमें पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। प्राइसिंग मोड है इन्वेंटरी के अंदर, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे मिक्स मोड। नेक्स्ट चलेंगे बिजी 18 के वन ऑफ पावर फीचर के साथ, बिजी बीएनएस एप्लीकेशन। सर हम सभी को पता है व्हाट्सएप को रिप्लेस करके हमने बीएनएस एप्लीकेशन बिजी में प्रोवाइड किया था और बहुत यूजफुल रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा इसके लिए, इसका भी हम यूज करेंगे अपने स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। फिर आता है बिजी एजेंट यूटिलिटी बैकअप। सर हम सभी को पता है कि हर एक जगह पर हर एक क्लाइंट के लिए, चाहे वो क्लाइंट हमारा एक छोटे लेवल पर हो या एक बड़े लेवल पर हो, बैकअप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हमें भी ये मेक श्योर करना चाहिए एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ प्रोफेशनल, कि डेटा का बैकअप सिक्योर होना चाहिए। तो एजेंट इंस्टॉल करना ना भूलें कभी भी आप। कॉन्फिगर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अब देखेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो हमें कॉन्फिगर करने की जरूरत है, या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को कॉन्फ़िगर पूरा करने के लिए हमें कॉन्फ़िगर करनी होगी बिजी में। सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ अकाउंट मास्टर्स, मास्टर्स में जाते हैं हम अकाउंट ऐड मॉडिफाई और लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट मास्टर हमें कॉन्फ़िगर करनी है। लिस्ट ऑफ सेल वाउचर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट, ये हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे। कैश एंड बैंक बुक, अकाउंट्स समरी के अंदर डिस्प्ले में रिपोर्ट होती है हमारी कैश और बैंक बुक, इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर आता है फी रिसिप्ट स्लिप, कि फीस की जो रिसिप्ट है जैसे अभी हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा है एक स्क्रीनशॉट, वो पूरी हमें कॉन्फ़िगर करनी होगी, डिजाइन करनी होगी। डिफॉल्ट बिजी से रिसिप्ट वाउचर इस प्रकार से नहीं निकलता है, तो हमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इसको डिजाइन करना होगा। तो ये तो थे सर हमारे सेट ऑफ फीचर्स बिजी के अंदर जो हम यूज करेंगे अब अपनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। तो अब आइए सर चलते हैं हम लोग बिजी की तरफ। तो ये हम आ गए हैं बिजी में। अब सबसे पहली जो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी मेंटेन स्टूडेंट प्रोफाइल, तो वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करता हूँ यहाँ पर कि हम उसको कैसे चेंज करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला तो कंसेप्ट ये है कि सर हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जब हम एक स्कूल को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो कुछ बहुत ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो पहले साल तो बहुत ईजिली हो सकती हैं, लेकिन जब ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, स्टूडेंट्स प्रमोट होते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, हमें वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ सकती हैं, फेसेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स बिजी के अंदर कैसे बनाए जाए, आइटम मास्टर को बनाया जाए या अकाउंट मास्टर को बनाया जाए, ये कंसेप्ट भी हमें माइंड लगाना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने आइटम मास्टर बना देते हैं तो नेक्स्ट ईयर ईयर कैरी ओवर होगा, स्टूडेंट्स एज इट इज चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मेजर जो कंसर्न आता है वो मेजर कंसर्न ये आता है स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए, सारी डिटेल सेम एज प्रीवियस हैं, उनकी पर्सनल डिटेल तो चेंज नहीं हुई एक्सेप्ट एक डिटेल के, और वो है उनकी क्लास, कि पहले वो क्लास सिक्स में थे, अभी प्रमोट होकर के वो क्लास सेवन्थ में आ गए हैं, या सेवन्थ में थे तो एट्थ में आ गए हैं। या ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि पहले क्लास एट्थ में थे, ड्यूरिंग द ईयर उनका सेक्शन चेंज हो गया किसी रीजन से, ए सेक्शन से बी सेक्शन में आ गए। तो ये रिक्वायरमेंट हम कैसे बिजी में पूरी करेंगे, तो उसके लिए हमने यूज किया है अकाउंट मास्टर को। तो देखते हैं सबसे पहले अकाउंट मास्टर, ये सर एक ऑलरेडी जो सैंपल डेटा है वो हमने बनाया हुआ है, और इसके अंदर सबसे पहले हम चलेंगे
अब एक जो चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी यहाँ पर सर, वो थी कि बिजी में जो स्क्रीन आ रही है अकाउंट मास्टर की आप सबके साथ सामने, इसके जो कैप्शंस हैं बाय डिफॉल्ट ये कैप्शंस इस तरीके से नहीं होते हैं। कुछ कैप्शंस मैंने इसमें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज करे हैं, उनके कैप्शन चेंज करे हैं। तो कैप्शन चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन कीज, तीन कॉम्बिनेशन कीज होती है हमारे पास सिस्टम में, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, और उसके साथ सी फॉर कैलकटा में प्रेस करना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इस स्क्रीन के अंदर एक नई स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी और वो है कैप्शन चेंज करने की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अकाउंट अलियास को रोल नंबर में चेंज किया हुआ है, ग्रुप को हमने क्लासेस के अंदर चेंज किया हुआ है, और फैक्स नंबर उसको हमने प्रीवियस स्कूल में चेंज किया हुआ है। इस प्रकार से जो हमें रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे कैप्शन यहाँ पे चेंज किए हुए हैं, ताकि बहुत ही यूजर फ्रेंडली फील हो स्कूल वालों को, मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, उन्हें ये ना लगे कि वो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हैं। तो कैप्शन यूजर इंटरफेस हमें इजी बनाता है। तो नेम डिफाइन किया हमने, रोल नंबर डिफाइन किया, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया मल्टीपल अलियास। एक जनरल कंसेप्ट होता है, काफी जगह पे देखा गया है स्कूल के अंदर कि सर पेरेंट्स सभी के रहते हैं, इन केस की ऐसी सिचुएशन रहती है कि किसी स्टूडेंट्स के अगर पेरेंट्स नहीं है, किसी स्टूडेंट्स के अगर पेरेंट्स नहीं है तो उनके गार्जियंस की डिटेल हमें चाहिए होती है, गार्जियंस की यानी कि उनके जो केयर टेकर होते हैं उनकी डिटेल्स हमें चाहिए होती है कॉन्टेक्ट करने के लिए और उनका कंसर्न उनके साथ डिस्कस करने के लिए। तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया वो आया कि गार्जियन डिटेल्स, 90% या 95% केसेस में आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स सर अच्छी बात है कि हम सभी के होते हैं और होने भी चाहिए, गार्जियंस 5% या 10% केस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास उनके पेरेंट्स नहीं होते और वहाँ पे गार्जियन या केयर टेकर उन्हें टेक केयर करते हैं। तो उनकी डिटेल्स हमने ठीक समझा मल्टीपल अलियास में मेंशन करने के लिए। तो ये जो एड्रेस आ रहा है अभी आपके सामने स्क्रीन पर मल्टीपल अलियास में, ये आ रहा है गार्जियन का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप गार्जियन का एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस 1, 2, 3, 4 स्टेट बता दिया, सारी फील्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, जो हमें यूजफुल लगे हम वो यूज कर सकते हैं, पिन कोड बता दिया, एजुकेशन। अब ये एजुकेशन यहाँ पे इस नाम से नहीं आता है, अगेन क्या चीज यूज करेंगे हम कैप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, इसके भी हमने बहुत सारे कैप्शन आप देखेंगे चेंज किए हुए हैं, एनुअल इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इस प्रकार से एडमिशन नंबर, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, एजुकेशन, एनुअल इनकम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन और नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये गार्जियंस की डिटेल हमने यहाँ पर कैप्चर कर ली है बिजी में मल्टीपल अलियास की विंडो में। नेक्स्ट आया हमारे पास क्लास कौन सी है, स्टूडेंट की क्लास क्या है, तो उसको हमने यूज किया अकाउंट ग्रुप के माध्यम से, अकाउंट ग्रुप के मीडियम से। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हमने डिफाइन कर लिए हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। अब ड्रॉपडाउन में सभी के पास आ रहा होगा स्क्रीन पर सर, हर एक क्लास के ना डबल बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पर ग्रुप्स, दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक टी करके और एक विदाउट टी करके। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, एक रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कि स्टूडेंट का एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए, स्टूडेंट की एक ऐसी लिस्ट चाहिए कि वो स्टूडेंट्स अलग हो जाएं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करते हैं और वो स्टूडेंट्स अलग हो जाएं जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं। तो ये हमने यूज किया अकाउंट्स ग्रुप को बाइफर्गेट करने के लिए ट्रांसपोर्टर और नॉन ट्रांसपोर्टर स्टूडेंट्स के लिए। वापस ओपन करते हैं हम, ये क्लास आ गई हमारी ग्रुप्स के रूप में, एंड इस ग्रुप का मैं आपको मीडियम दिखा देता हूँ सर। ये मेक श्योर करें कि जब आप ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो इसका ग्रुप सन्ड्री डेटर होना चाहिए, अकाउंटिंग के पर्पज से मैंडेटरी है, ग्रुप हमारा सन्ड्री डेटर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा जो फीचर हमने यूज करने के लिए बात करी थी अकाउंट कैटेगरी का, और इसका हमने इस्तेमाल किया एज अ सेक्शन कि क्लास का सेक्शन क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल सेक्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और अगेन अब ये चीज आई हमारे पास बिजी की ऑप्शनल फील्ड्स की पावर। अब ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर हमें क्या क्या डेटा कैप्चर करना है, कि स्टूडेंट्स की कास्ट क्या है वो हमने बता दी, बर्थ प्लेस क्या है, फादर नेम क्या है, फादर एजुकेशन क्या है, ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। हम जब ऑप्शनल फील्ड कंफिगर करते हैं एक ऑप्शन होता है हमारे पास मेंटेन मास्टर डेटाबेस, जिसको हम यस करेंगे तो हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा
ड्रॉप डाउन बनाने का, सो दैट हमें और ऑपरेटर को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो हमने कह दिया पीएचडी है, ऑक्यूपेशन बता दिया, एनुअल इनकम एंड सेम डिटेल्स हमने मदर्स के लिए कैप्चर कर ली, मदर नेम, फादर, सॉरी मदर एजुकेशन, मदर ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम। तो ये डिटेल्स हमने कैप्चर करी सर ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर। आगे चलते हैं, ये इनका एड्रेस आ गया, यानी कि स्टूडेंट्स का या फिर पेरेंट्स का एड्रेस आ गया, कंट्री एंड स्टेट्स, स्टूडेंट का आधार कार्ड, एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्कूल में एप्लीकेशन दी थी एडमिशन के लिए तो उनका एप्लीकेशन नंबर क्या था। अभी तो ये मैनुअली लिखा हुआ है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रहता है तो वैलिडेशन के बेसिस पर भी इसको डेवलप किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रीवियस स्कूल, कि जब एक स्कूल में नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो ये मैंडेटरी होता है कि हम उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी रखें इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस स्कूल डिफाइन कर दिया किस और उस स्कूल में उनकी जो एजुकेशन है वो किस मोड में रही, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या अदर कोई भी मीडियम है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इस स्कूल का प्लेस यानी कि लोकेशन क्या थी, हमने कहा मंगलोर कर्नाटक। और प्रीवियस यहाँ पे क्लास कौन सी है इनकी, प्रीवियस क्लास है ये, कि अभी तो ये सिक्स में आए हैं हमारे पास, प्रीवियस कौन सी क्लास है, उस स्कूल से किस क्लास से आए हैं ये, हमने कहा सर फिफ्थ क्लास से आए हैं। एंड मेंटेन बिल बाय बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखें इस चीज का सर इम्प्लीमेंट करते हुए कि बिल बाय बिल जरूरी है, सो अदरवाइज हमें डिफॉल्टर्स की या आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली, ये यूज किया हमने। मदर टंग, स्टूडेंट की मदर टंग क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, या जिस भी वो रीजन से बिलोंग करते हैं। एंड ये उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल स्टूडेंट प्रोफाइल, कि इसके अंदर हम इतनी सारी चीजों को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने का कंसेप्ट इसके अंदर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आया कि स्टूडेंट तो डेवलप हो गए, स्टूडेंट तो क्रिएट कर लिए हमने, हमें इनका प्रोफाइल चाहिए एक एक्सेल शीट में। स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है सर एक ऐसी रिपोर्ट हो कि हर एक स्टूडेंट की ना एक शीट हमें मिल जाए सारी डिटेल्स के साथ। तो हमने कहा ठीक है सर, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमने कॉन्फ़िगर कर दी एज पर स्कूल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके बेसिस पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रोल नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, एंड ये एक्चुअली अकाउंट ग्रुप सारे खोल दिए हमने, यहाँ पे हमें खोलना चाहिए था ग्रुप ऑफ अकाउंट सन्ड्री डेटर्स, ये ज्यादा अच्छे से रहेगी रिपोर्ट। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स के हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, वो सारी डिटेल्स जो हमने मास्टर में डिफाइन की हुई अंदर वो ऑन स्क्रीन आ गई हमारे पास। आप देखेंगे हर एक का कॉलम आ गया, और ये रिपोर्ट हम कस्टम कॉलम की हेल्प से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम रिपोर्ट आप मैनेजमेंट को ईमेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम सभी लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये तो हुआ स्टूडेंट प्रोफाइल। अब नेक्स्ट जो कंसर्न आया वो कंसर्न इस तरीके से ये रहा कि एक सिर्फ एक ये मेंटेन करना है कि स्कूल की फीस है, या हमें ये भी मेंटेन करना है कि उस फीस में कंपोनेंट क्या क्या है। कि जैसे हमने अभी स्लिप पर देखा, फीस रिसिप्ट स्लिप पर, कि सिक्योरिटी फीस थी हमारी, अदर एक्टिविटी फीस थी, ट्रांसपोर्टेशन फीस थी, तो कंपोनेंट वाइज मैनेज करना है या फिर सिंपल एक फीस के नाम से करना है। तो उनको हमने डिफाइन किया यहाँ पर आइटम मास्टर के रूप में। अब आप देखेंगे, मैं एक ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे डेवलपमेंट फीस, तो हमने नेम डिफाइन कर दिया, और ग्रुप भी बनाना है आपको यहाँ पर, ग्रुप भी बनाना है अकाउंट का, अकाउंट ग्रुप। आप क्यों बनाना है, क्वेश्चन ये रहता है कि ग्रुप बनाना मैंडेटरी क्यों है, वो इसलिए मैंडेटरी है सर, एक रिक्वायरमेंट हमने, एक फीचर हमने यूज करना था इनेबल ग्रुपिंग ऑफ प्रेफरेंसेस बिल बाय बिल का। तो उसके लिए हमारे पास फीस कंपोनेंट के अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, और उस ग्रुप के अंदर बिल रेफरेंस के ग्रुप यहाँ पे आप लोगों को टैग करने हैं, बिल रेफरेंस के ग्रुप यहाँ पर टैग करने हैं। सेव कर दिया, यूनिट हमारी एन हो जाएगी, क्योंकि ये एक सर्विस का कंपोनेंट है, कोई गुड्स तो है नहीं फिजिकल, तो हमें अब स्टॉक को मेंटेन करना नहीं है, इसलिए यूनिट्स इसकी एन हो जाएगी। और जो एक फीचर हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस करी थी कि हमें क्या करना होगा, टैग सेल परचेज अकाउंट, सेल टाइप परचेज टाइप से हटा के आइटम मास्टर पे लेके आने होंगे, तो ये उसी का कंसेप्ट है यहाँ पे, कि हमें हर एक कंपोनेंट वाइज एक लेजर बनाना होगा यहाँ पर, अकाउंटिंग लेजर, जिसको हम टैग करेंगे आइटम के अंदर, और इसका एक ग्रुप आपको डिफाइन करना होगा।
अल्टीमेटली ग्रुप लास्ट में होना क्या चाहिए, सेल। ये मार्क मार्क बोल्ड में मार्क है सर, सेल ग्रुप होना चाहिए कि जब हम किसी को सर्विस ऑफर करते हैं, सर्विस देते हैं, तो बड़ा ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि वो अकाउंटिंग ग्रुप सेल रहता है। तो जितने भी फीस कंपोनेंट हम बनाएंगे उनका ग्रुप सेल रहेगा। परचेज हमें करनी नहीं है सर्विसेज, तो बाय डिफॉल्ट सब में परचेज अकाउंट टैग होता है जब हम सेल टाइप से हटा के आइटम लेवल पर लेके आते हैं, तो यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपोनेंट बनाना है फीस का। इसी तरीके से अदर कंपोनेंट भी बने हैं, और सभी के अंदर मैं अगेन ओपन कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाना है सेपरेटली, प्राइमरी ग्रुप रखना है, और यहाँ पे बिल रेफरेंस बनाना है आपको। ये आप F3 करके बना सकते हैं, यहाँ पर 1/1 बार बना देंगे, नेक्स्ट टाइम ड्रॉप डाउन में आ जाएगा F3 करके, और जो कंपोनेंट है उसमें वो ग्रुप रेफरेंस टैग कर देंगे। ठीक है सर, तो ये फीस कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्रिएट हो गए, फीस क्रिएट हो गई हमारी कंपोनेंट। अब चलते हैं सबसे पहले फीस ड्यू करने के लिए। हमें क्या करना है, फीस को ड्यू करना है। सेल पे आते हैं, लिस्ट ओपन कर लेते हैं एक बार, और रिपोर्ट हमने कन्फिगर करी थी विद रोल नंबर वाइज, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे पास होगी। तो सबसे पहले सीरीज आ गई, डेट आ गई, एंट्री नंबर ऑटोमेटिक चलता रहेगा ये तो हमारा। पार्टी यानी कि इसका भी कैप्शन आप चेंज करके पार्टी का स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कि स्टूडेंट नेम क्या है। तो स्टूडेंट आ गया हमारा। अब एक चीज जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका रोल नंबर आ रहा है और साथ में क्लासेस आ रही है। ये कैसे कन्फिगर होगा, मास्टर कॉन्फिगरेशन की हेल्प से कन्फिगर होगा। और जैसे एक हमने समझा था कि बॉटम भी हम कन्फिगर कर सकते हैं, और बॉटम में क्या क्या चीजें हम दिखा सकते हैं, कि ऑन स्क्रीन कन्फर्म करना है स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो हम यहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। क्लास हमें पता लग रही है, और क्लास के साथ साथ ये स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आता है, मतलब ये अवेल करते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी या नहीं करते, ये भी क्लियर हो जाएगा हमें। और रोल नंबर क्या है ये हमें यहाँ पर दिख जाएगा। नरेशन F4 से पिक करा सकते हैं आप, यहाँ पे एक बार बना के रख दीजिए कि ड्यू कौन से मंथ के लिए हो रही है, अप्रैल, जून और मई, ये बना दिया। और यहाँ पर कंप्यूटर फीस सारे कंपोनेंट्स लेकर के आपने डिफाइन कर दिए, सर आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेफरेंस एक ही बिल के अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस बन गए हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ ये हम समझते हैं। ट्रांजेक्शन का एक ओवरव्यू देखा हमने कि ट्रांजेक्शन इस तरीके से होगी, लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है वो हम समझते हैं। फीचर एंड ऑप्शन, सबसे पहले हम आते हैं अकाउंट्स, बिल बाय बिल हमने इनेबल करना है, और इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस यहाँ पे कर दिया हमने। नेक्स्ट हमने बताया कि ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की जो ग्रुपिंग है उसका बेस क्या रहेगा, मटेरियल सेंटर या आइटम ग्रुप। आई सेड आइटम ग्रुप होना चाहिए सर। और एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन हमने यस कर दिया, ओके। और एक हमने किया मेंटेन अकाउंट कैटेगरी, कैप्शन आप लोग यहाँ पे चेंज कर ही सकते हैं इसका सेक्शन डिफाइन करने के लिए। बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल हमने फीचर ऑन कर लिया, और मल्टीपल अलियास कॉन्फिगर किया। इसके अंदर जो सब ऑप्शन है स्पेसिफाई डिफरेंट एड्रेस डिटेल विद मल्टीपल अलियास, ये मैंडेटरी है सर आपको इनेबल करना। अदरवाइज मल्टीपल अलियास की जो विंडो मास्टर में ओपन हो रही है वहां पर आपको एड्रेस मेंशन करने का या अदर डिटेल्स मेंशन करने का प्रोविजन नहीं मिलेगा, ओनली आप वहां पे मल्टीपल अलियास दे पाएंगे, मेंशन कर पाएंगे। तो ये थे हैं अकाउंट्स मेन्यू के फीचर्स जो हमें यूज करने हैं बिल बाय बिल, और मेजर जो है अकाउंट कैटेगरी, बैंक इंस्ट्रूमेंट, और मेंटेन मल्टीपल अलियास। इसके साथ हम आते हैं सर इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में शो आइटम करंट बैलेंस, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई फीचर आपको ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड ज्यादा फीचर्स आपको चाहिए ही नहीं। पहली जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें सेल परचेज का अकाउंट आइटम लेवल पे टैग करना है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा प्राइसिंग मोड हमें सेलेक्ट करना है पार्टी आइटम वाइज, और वो भी मिक्स मोड के अंदर। अब हमने प्राइसिंग मोड क्यों सिलेक्ट किया, क्वेश्चन ये रहता है कि प्राइसिंग मोड की क्या जरूरत आ गई सर बिजी स्कूल मैनेजमेंट में। वहां पे सर हमारी रिक्वायरमेंट ये आई डिस्कशन के दौरान कि क्लास वाइज फीस अलग अलग होती है, कंपोनेंट्स तो सेम होते हैं कि मतलब सिक्योरिटी फीस है वो 7th के लिए भी लगेगी, 6th के लिए भी लगेगी, कंप्यूटर फीस है वो सभी क्लासेस पे एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्ट जो लेगा उसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो क्लास वाइज अमाउंट वेरी करता है।
तो बाय डिफॉल्ट अमाउंट कैसे पिक होगा? मास्टर तो एक ही बनाया हुआ है हम लोगों ने आइटम का। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफॉल्ट एक प्राइस दे देते हैं तो ये तो सबके लिए कॉमन उठा लेगा ट्रांजेक्शन के समय पर। तो हमने इसके लिए किया आइटम प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेल्स, और हमने कहा वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन है, एफर्ट्स लगेंगे लेकिन बहुत ही इजी हो जाएगा। ग्रुप्स हमने बनाए हुए थे 6th क्लास के लिए, और अब आप देखेंगे सारे कंपोनेंट्स आ गए। 6th क्लास के लिए इन कंपोनेंट्स का क्या प्राइस रहेगा वो बता देना है आपको। 6th क्लास के लिए इन कंपोनेंट्स का क्या प्राइस रहेगा वो बता देना है आपको यहाँ पर। इसी तरह से बाकी की क्लासेस, जैसे हमने कहा 7th और ट्रांसपोर्ट वाला, फीस इंक्रीज हो गई और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने चार्जेस दे दिए। जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जैसे 7th के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट तो लगाना है लेकिन प्राइस नहीं बताना है, प्राइस जीरो रखना है आपको, प्राइस जीरो रखना है। तो इस तरीके से आइटम प्राइसिंग मोड आपको कॉन्फ़िगर करना है, जो आपकी हेल्प करेगा फीस को मैनेज करने में उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ आइटम प्राइसिंग मोड। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन का एक व्यू हम लोगों ने देखा कि ट्रांजेक्शन किस तरह से पास होगी। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या करना है, फीस को ड्यू करना है, फीस को ड्यू करना है। स्टूडेंट्स 500 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, वन बाय वन करना तो सर पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बिजी में हम क्या यूज करेंगे, वाउचर रेप्लीकेशन। और वाउचर रेप्लीकेशन फीचर यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पहले डमी अकाउंट, डमी वाउचर बिजी में बनाना होता है एज अ टेम्पलेट। हमें क्या चाहिए होता है, एक डमी वाउचर चाहिए होता है जिसके अंदर, जिसको हम रेप्लीकेट करना चाहते हैं ताकि हम उसको टेम्पलेट की तरीके से यूज कर सकें। तो हमने एक स्टूडेंट लिया और मैनुअली क्लास वाइज, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए 6th से लेकर 10th तक 5 क्लासेज हो गई और सब में अगर चार चार सेक्शन है तो 20 क्लासेज हो गई, तो हमें वो डमी अकाउंट वाउचर 20 बनाने पड़ेंगे। सेक्शन वाइज तो नहीं बनाने पड़ेंगे लेकिन दो जरूर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक कंसेप्ट था, एक तो था विदाउट ट्रांसपोर्ट और एक था विद ट्रांसपोर्ट, तो हमें दो वाउचर 8th क्लास के लिए बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो विदाउट ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट उसके लिए ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट रखेंगे ही नहीं, बाकी कंपोनेंट्स प्राइसिंग मोड से प्राइस पिक हो जाएंगे और कंपोनेंट्स लेके बिल सेव कर देंगे, पहला टेम्पलेट। इसी की तरह से हम ट्रांसपोर्ट वाला लेते हैं, जैसे ये क्लास 6th वाला फर्स्ट है जो स्टूडेंट है वो ट्रांसपोर्ट वाला है, यहाँ पे हम एक वाउचर बनाएंगे और ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट भी यूज करेंगे इनके साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अभी फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये पहला एक वाउचर जनरेट किया, मैनुअली करना है और सेव करा दिया। जब आप सेव कराएंगे, क्योंकि आपने फीचर यूज किया है ग्रुपिंग रेफरेंस, तो बिजी ऑटोमेटिकली जितने भी आपके कंपोनेंट है सबका अलग अलग रेफरेंस यहाँ पर बना देगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली बिजी रेफरेंस जनरेट कर देगा। जैसे हम इसको अभी दिखाने के लिए अगर मुझे आपको करना है तो क्लियर कर दिया F9 से और क्रिएट डिफॉल्ट रेफरेंस, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारे रेफरेंस जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये एक वाउचर सेव कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें आना है सर कॉन्फ़िगरेशन से पहले बल्क अपडेशन, बल्क अपडेशन का फीचर है। सबसे पहले करना है सेट वाउचर एज टेम्पलेट, पहले तो टेम्पलेट डिसाइड करना है तभी हमारा वाउचर रेप्लीकेट होगा। वाउचर क्या है, सेल्स है। अब देखिए आप यहाँ पे वो सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो कि मैंने पहले से बनाए हुए हैं, आप लोग कैसे बना सकते हैं, सेल्स वाउचर आपने पास कर दिया एक डमी, शो वाउचर लिस्ट और उस डेट पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से वाउचर सेलेक्ट हो जाएगा, उसको हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो एक टेम्पलेट बन गया यहाँ पर और ये क्लास वाइज बन गया अलग अलग। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट, फिर से ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट, यानी कि सबके दो दो वाउचर बना करके टेम्पलेट बना दिए। अब क्या करना है, वाउचर रेप्लीकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट, वाउचर तो सेम है लेकिन अकाउंट्स हमारे यानी कि स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग होंगे, वाउचर का टाइप सेल है। कौन सी क्लास के लिए करना है सर, हमने कहा 8th के लिए करना है, वो भी विदाउट ट्रांसपोर्ट वाली। ठीक है, डेट क्या रहेगी, हमने कहा 31 मई। सिलेक्ट अकाउंट फॉर विच वाउचर आर टू बी जनरेटेड, वो कौन से अकाउंट मास्टर हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आप वाउचर एप्लीकेट करना चाहते हैं। अकाउंट ग्रुप क्या, बाहर हमने लिया था क्लास 8th विदाउट ट्रांसपोर्ट,
तो यहाँ पे हमें लेना है क्लास 8 विदाउट ट्रांसपोर्ट, शो लिस्ट किया, तीनों स्टूडेंट्स आगे क्लास 8 के, सिलेक्ट किया, ओके और रेप्लीकेट, ये तीन वाउचर रेप्लीकेट हो गए। अगर चेक करना है तो हम सेल्स में लिस्ट स्क्रीन, और यहाँ पे 31 की डेट में हमने पास किए हैं वाउचर, आप देखेंगे कि तीनों वाउचर्स आ गए हैं सर, मतलब बल्क के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। और सभी वाउचर्स में रेफरेंसेस भी बन गए हैं, सभी वाउचर्स में रेफरेंसेस भी जनरेट हो गए हैं। जो पहला वाउचर आपने बनाया अगर वो पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया है नरेशन लेकर के सारी चीजें लेकर के, तो ये मेक श्योर है कि वो बाकी के जो रेप्लीकेशन वाले वाउचर हैं वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास टेम्पलेट आ गए और उनके बेसिस पे हमने रेप्लीकेट कर दिया। अब इस रेप्लीकेशन का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है सर, इन सारे अकाउंट्स के लिए इनकी जो फीस है वो ड्यू हो गई है 31 मई को, यानी कि मंथ एंड पर। अब पूरे अगले महीने यानी कि मंथ ऑफ जून, जून के अंदर इनकी रिसिप्ट आनी शुरू हो जाएगी और उसको हम एडजस्ट कराते रहेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो इसके लिए चलते हैं, हम एक बार रिसिप्ट ऐड करते हैं। और सबसे पहले 1st of June क्रेडिट स्टूडेंट हमारा, अब जो रिसिप्ट है वो तो सर 1 by 1 आएगी, ये तो लॉजिकल सी चीज़ है। और पिछले काफी सेशंस के दौरान हमें ये फीडबैक भी मिला था कि अभी रिसेंटली हमने एक ऑप्शन दिया था बिजी के अंदर बल्क अपडेट्स का, बल्क अपडेट में बल्क पेमेंट्स का, तो इसके लिए आप रिस्पेक्टेड पार्टनर्स ने फीडबैक दिया था कि सर रिसिप्ट का भी ऑप्शन होना चाहिए बल्क में। तो होपफुली सर हम वो भी प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, वो भी बहुत इजी हो जाएगा इस सिनेरियो के अंदर, स्कूल के अंदर अगर मान लीजिए एक दिन में 8, 10 या 20, 50 स्टूडेंट्स की फीस आ गई है और एक एक वाउचर पास नहीं करना चाहते तो बल्क स्क्रीन पे जाकर के आप पास कर सकते हैं। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 by 1 ही करना होगा क्योंकि हमारे पास बल्क रिसिप्ट का राइट नाउ प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट ले लिया और यहाँ पर हमने एंटर करना है, अमाउंट लेना ही नहीं है आपको, आपको एंटर करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना रेफरेंसेस आ गए हैं सर आपके मल्टीपल, और रेफरेंसेस वो आ गए हैं जिनके अंदर आपकी डेट यानी कि पीरियड मेंशन है कि आप अप्रैल की फीस रिसिप्ट कर रहे हैं या मई की फीस रिसिप्ट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर कहा सर ये मई की है। तो जितने भी मई वाले रेफरेंस है यानी कि 31st 5 वाले, उनको आप यहाँ पे एडजस्ट करा लीजिए। मतलब स्टूडेंट लिया और अब क्लास तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन उस क्लास में कंपोनेंट्स के प्राइस क्या हैं ये तो ऑपरेटर को शायद नहीं पता होंगे या इतने याद रखना पॉसिबल नहीं है क्लास वाइज। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अमाउंट ना लें, आप यहाँ से रेफरेंसेस पिक कर लें जितने भी आपके मई वाले रेफरेंसेस हैं मई मंथ के। ठीक है सर, ये रेफरेंसेस ओवर हो गए, हमने ओके किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया अमाउंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या था ये डिफाइन करना जरूरी है, अदरवाइज रिसिप्ट के ऊपर हमें प्रिंटिंग में नहीं मिल पाएगा। तो इसी के लिए फीचर यूज किया था हमने बैंक इंस्ट्रूमेंट का, और हमने कहा सर ये ई पेमेंट है यानी कि पेटीएम से आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे लेजर हमने बना दिया पेटीएम का, अंडर ग्रुप कर दिया बैंक अकाउंट, अल्टीमेटली तो पेटीएम लिंक होता है बैंक अकाउंट से, तो हमने बैंक अकाउंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिसिप्ट हो गई, सेव किया हमने, प्रिंट फीस रिसिप्ट, यस रिसिप्ट और प्रीव्यू, ये सर स्क्रीन पे आ गई फीस रिसिप्ट, स्क्रीन पे फीस रिसिप्ट आ गई। और अब आप देखेंगे यहां पर कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट्स जो आपने सेल के वाउचर में डिफाइन करे थे। अब सबके माइंड में शायद हो सकता है, होपफुली ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अकाउंट वाउचर के अंदर वो जो आइटम सेल में डिफाइन करे हैं हमने वो यहाँ पर कैसे आए। तो सर सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था स्कूल मैनेजमेंट को हमें इम्प्लीमेंट करने में कि हमने आइटम तो डिफाइन करे हैं, फीस तो ड्यू करी है सेल वाउचर से, लेकिन उसको रिसिप्ट वाउचर में कैसे प्रिंट कराएं। रिसिप्ट की एक्नॉलेज तो रिसिप्ट वाउचर से देनी है, सेल वाउचर से तो रिसिप्ट की एक्नॉलेज दे नहीं सकते हम। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज था, और इसी चैलेंज को बिजी के एक स्टैंडर्ड फीचर ने पूरा कर दिया, और वो फीचर है हमारे पास अकाउंट्स में इनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंसेस। इसी के बेसिस पर हमने डॉक्यूमेंट डिजाइन में जो हमने अलग अलग रेफरेंस ग्रुप बना रखे थे आइटम के नेम से, वो कॉल कर लिए और उनका अमाउंट कॉल कर दिया वहां पर रिसिप्ट्स के अंदर। वापस मैं प्रिंट आउट दिखाता हूँ आपको,
सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि रिसिप्ट के अंदर हमें आइटम लेके आने और इनके अमाउंट भी लेके आने। ट्रांसपोर्ट की फीस आ गई। अब जिस स्टूडेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं है, कंपोनेंट तो आएगा लेकिन अमाउंट नहीं आएगा। जनरली रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि सर क्या क्या कंपोनेंट्स लिए हैं आपने, फीस किस किस चीज़ की चार्ज की है। अगर मैं इसमें सिर्फ लिख के दे दें, हम इसमें लिख के दे दें कि 14,000 रुपये की फीस हो गई, तो पेरेंट्स को या कंसर्न पर्सन को क्लियर नहीं होगी वो चीज़। तो उसी के लिए ये फीस रिसिप्ट है। और भी अलग अलग तरीके से डिजाइन की जा सकती है। ये हो गई सर फीस रिसिप्ट। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो स्टूडेंट की क्रिएशन, स्टूडेंट मास्टर कैसे बनेगा वो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर। इसके बाद फीस के कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन होंगे वो हमने समझा, और कंपोनेंट्स के अंदर ग्रुप जरूर बनाना है एंड ग्रुप के अंदर बिल रेफरेंस को टैग करना है, अदरवाइज रिसिप्ट वाउचर पे आपकी डिटेल्स प्रिंट नहीं हो पाएगी, ठीक है सर। एंड उसके बाद कुछ और फीचर्स हमने यूज करे इसको और इजी करने के लिए, जैसे इन्वेंट्री में प्राइसिंग मोड लिया हमने ताकि क्लास वाइज हम प्राइस डिसाइड कर सके, फिक्स कर सके। देन इसके बाद हमने डमी वाउचर्स क्रिएट करे सेल्स के अंदर फीस को ड्यू करने के लिए। सारी क्लासेस के ट्रांसपोर्ट और विदाउट ट्रांसपोर्ट दोनों, दो तरीके की फैसिलिटी प्राइस है ना हमारे पास, तो दोनों का एक एक डमी वाउचर बनाया हमने और उसको सेट कर दिया एज वाउचर टेम्पलेट और यूज कर लिया वाउचर रेप्लिकेशन, ताकि एक शॉट के अंदर ही सारी क्लास के फीस ड्यू हो जाए हमारे पास। और उसके बाद जब रिसिप्ट आई तो वन बाय वन रिसिप्ट किया और प्रिंट दे दिया। अब इसको और कैसे यूजर फ्रेंडली करना है, अब ये तो सारा एक ही यूजर से काम हो गया। अब जनरली हो सकता है कि सर फीस ड्यू करने का जो काम है वो करेगा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट जो कि बैकएंड पे है, और रिसिप्ट जो लेगा वो फ्रंट पे कैश काउंटर बना हुआ है वहां पे रिसिप्ट निकलेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, किसी में यूजर बना सकते हैं सर मल्टीपल यहाँ पे अलग अलग, और इन यूजर्स को राइट आप दे सकते हैं ट्रांजेक्शन में रिसिप्ट के, और जो अकाउंट्स है उसके पास तो सारे राइट्स रहेंगे। तो ड्यूटीज आप डिफाइन कर सकते हैं उनकी। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा जो चीज़ है सारे जो प्रेजेंटेशन में, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हमें डिज़ाइन करनी है, और वो सारी रिपोर्टिंग अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने यहाँ पे फेवरेटीज में ऐड कर ली है, ताकि एक एक रिपोर्ट को अलग अलग जाके ढूंढना ना पड़े, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली रिपोर्ट्स हैं डे टू डे, तो हमने फेवरेटीज में ऐड कर ली। और अगर यूजर को चाहिए तो इनके शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली अपने एंड से। हम सभी को पता है कि बिजी में हम शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डिफॉल्टर्स लिस्ट, जिसका स्क्रीनशॉट हमने पीपीटी में देखा था। तो ग्रुप ऑफ अकाउंट बिल वाइज, और यहाँ चलते हैं हम रोल नंबर वाइज। अगर स्टैंडर्ड खोलेंगे तो रोल नंबर नहीं मिलेगा, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, रोल नंबर वाइज चलते हैं। और यहाँ पे क्लास वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास वाइज देख सकते हैं सर। ये देखिए आप क्लासेस के ग्रुप आ रहे हैं, और अगर आपने कह दिया सर सारे सन्डे डेटर दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर पेंडिंग देखना है या ड्यू देखना है, सर अभी पेंडिंग देखना है। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आ गई, और ये एक रिपोर्ट आ गई सर उन स्टूडेंट्स की जिनकी फीस ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसिप्ट हमें नहीं मिली है, अभी तक रिसिप्ट हमें नहीं मिली है, और किस कंपोनेंट की है वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए अदर एक्टिविटीज, कोचिंग फीस, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उनके लिए यूजफुल हो जाएगी कि किस किस की फीस पेंडिंग है या वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब इस क्लास के ऊपर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर एक ही क्लास की चाहिए, या बाहर ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं आप उसका कि सिक्स क्लास की निकालनी है और ट्रांसपोर्ट वालों की निकालनी है। उनका रोल नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे, कितने दिन हो गए ड्यू हुए ये भी आ जाएगा। सेम रिपोर्ट एज इट इज आप एक्सेल में और पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, इवन तो इवन ईमेल कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट में कंसर्न पर्सन को, ठीक है। तो रिपोर्टिंग तो हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, डबल समराइज करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। ये हुई फीस डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट हमारे पास। फीस कलेक्शन समरी, अब सर फीस तो आ गई, देखना ये है कि किस मोड में कितना कलेक्शन आया, किस मोड में कितना कलेक्शन आया या किस पर्टिकुलर डे पे टोटल कलेक्शन क्या रहा। चलते हैं सर कलेक्शन समरी, ये रिपोर्ट भी अगेन डिजाइन कन्फिगर की हुई है, और कन्फिगर करने का मेरा यहाँ पर वर्डिंग यूज करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी रिपोर्ट इसमें कस्टमाइज है। सर सारी रिपोर्ट बीजी में स्टैंडर्ड की है, बस हमने अपने अकॉर्डिंग यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कस्टम कॉलम या फिर कॉलमनार रजिस्टर, जो कि हम सभी को पता है कि हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं बिजी में, उनका हमने यूज किया है यहाँ पर इन रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए।
ये रिपोर्ट आ गई सर यहाँ पर, कलेक्शन समरी। 3 तारीख में 2 स्टूडेंट्स की फीस आई है, रोल नंबर हमें पता लग गया, क्लास हमें दिख रही है, 8th का है और 7th का है, और इसने मोड ऑफ पेमेंट क्या है, चेक का है, चेक से पेमेंट करी है इन्होंने, ठीक है। और दूसरे वाले स्टूडेंट्स ने HDFC बैंक यानी कि NEFT या फिर RTGS किया होगा इन्होंने डायरेक्ट। एंटर करेंगे यहाँ से तो हम वाउचर तक जा ही सकते हैं, हम सभी को पता है। तो ये हमें डे एंड पे मोड वाइज टोटल दे देगा कि किस मोड में कितना टोटल कलेक्शन आया, ताकि कैश काउंटर से आप इसको टैली कर सके। नेक्स्ट रिपोर्ट है फीस ड्यू वाउचर पोस्टिंग। ये वही ऑप्शन है सर, मैंने यहाँ पे फेवरेटिस में हमने ऐड किया हुआ है इसको, ताकि हमें ढूंढने ना जाना पड़े, जैसे मैंने बताया वाउचर रेप्लिकेशन वाला, ये हमने यहीं पे ऐड कर दिया है फीस ड्यू पोस्टिंग। तो यहाँ पे आप आइए और मंथ एंड पे सिलेक्ट करके कौन सा टाइप है हमारा और कौन सी क्लास है जिसके लिए फीस ड्यू करनी है, और हमें रेप्लिकेट कर देना ताकि फीस हमारी ड्यू हो जाए। सर ने जैसे बताया सर, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है बिजी के अंदर कि अगर हम टेम्पलेट सेट नहीं करना चाहते या यूजर को लग रहा है बहुत ही ट्रिकी काम है ये कि बार बार टेम्पलेट सेट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप टेम्पलेट मत बनाइए। एक मंथ में एक बार तो लेकिन एंट्री करेंगे आप किसी एक की, ताकि उसी के बेसिस पे बाकी लोग स्टूडेंट्स की रेप्लिकेट हो जाए। तो रेप्लिकेट वाउचर कीजिए, बाय डिफॉल्ट सेल्स आ गया, टेम्पलेट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। किस डेट पे करना है यहाँ पर बता दिया 17, मतलब सेम स्क्रीन है पहले वाली और ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है, कौन सी क्लास है। अब वो जो वाउचर हमने जिस क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाया है वही लेना है हमें, अदरवाइज क्या होगा, गलती हो जाएगी। 6th क्लास का स्टूडेंट था जिसका वाउचर था और हमने अगर 8th में कर दिया तो सबका जो अमाउंट है वो गलत हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो स्टूडेंट हमारा कौन सी क्लास का था, ये देखने वाली चीज़ है। तो हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, योगेश क्लास 8th का है और बिना ट्रांसपोर्ट वाला है, तो हम इस पे करेंगे F12 रेप्लिकेट वाउचर एंड डेट बता देंगे यहाँ पर 1 जुलाई, सॉरी सिलेक्ट अकाउंट और हमने कहा अकाउंट ग्रुप, तो यहाँ पे हमने ले लिया 8th क्लास विदाउट ट्रांसपोर्ट, शो लिस्ट किया, तीनों स्टूडेंट्स आ गए, ओके किया और वापस से रेप्लिकेट कर दिया हमने, ये 3 वाउचर पोस्ट हो। तो आप अगर हम 1 जुलाई को देखते हैं तो 1 जुलाई को ये वाउचर हमें मिल जाएंगे बिजी में। लीजिए सर, ये आपकी स्क्रीन पे आ गए विदाउट टेम्पलेट सेट किए हुए। तो बिजी में हम सभी को पता है सर, एक ही चीज को करने के लिए ऑप्शंस अपने पास मल्टीपल्स रहते ही हैं, तो ये उसी का एक एग्जांपल है कि टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। एंड अब सर ने अगर ये रेप्लिकेट बताया तो एक और ऑप्शन मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मान लीजिए कि सर टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ था या प्राइस नहीं पता, मतलब फीस के कंपोनेंट के प्राइस नहीं पता है हमें कि किस फीस का क्या प्राइस है, और मैनुअली किसी की ड्यू करनी है हमें एंट्री, मैनुअली किसी स्टूडेंट की ड्यू करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको 1 अगस्त ले लेंगे, स्टूडेंट ले लेंगे। अब स्टूडेंट कौन सा है ये जरूर ध्यान रखना है, क्लास 6th का है और ट्रांसपोर्ट वाला है। यहाँ पे F4 करेंगे और बिल ऑफ मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा, क्लास 8 और ट्रांसपोर्ट वाला। लीजिए सर, एज इट इज सारे कंपोनेंट आ गए और जो प्राइस हमने बता रखे थे वो प्राइस आ गए एज पर प्राइसिंग मोड। मतलब अगर मैनुअली भी करना है तो यहाँ से सिर्फ एक की प्रेस करेंगे F4 की हम, और इसको उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल हमने बना दिए, ये डमी अकाउंट बना दिया एक जिसका स्टॉक कोई मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम, और ओके कर दिया। ये लीजिए सर, ये आपका यहाँ से मैनुअली भी करने का ऑप्शन आ सकता है। तो एक ही तरीके, एक ही काम को करने के लिए ये मल्टीपल वेरियस ऑप्शन है, इनकी हेल्प आप ले सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं। फीस रिसिप्ट प्रिंटिंग, अब अपने हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सभी को पता है कि बल्क में अगर इनवॉइस प्रिंट करना है या SMS भेजना है या मेल करनी है तो हमें कहाँ जाना होगा, प्रिंट ईमेल SMS, प्रिंट यूटिलिटीज, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट करना है आपको कि आपको सेंड क्या करना है, रिसिप्ट या फिर सेल इनवॉइस यानी कि जो फीस ड्यू करी है वो। अभी के लिए हमने कहा सर रिसिप्ट भेजनी है सबको, डेट वाइज या वाउचर नंबर वाइज, डेट वाइज कर दीजिए। एक क्लास की देनी है या सभी की देनी है, ग्रुप किया, अगर एक क्लास की देनी है तो वो सिलेक्ट कर लिया, और संडे डेटर अगर आप करते हैं तो सभी की आ जाएगी सर। तो अभी समझने के लिए सिर्फ हम एक क्लास की ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लिया, स्टार्टिंग 1/5 से 31/5, फॉर्मेट पूछ लेगा यहाँ पर रिसिप्ट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट लेना है आपको ताकि सबकी अलग अलग जनरेट हो जाए। अब यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कर सॉरी ईमेल भी कर सकते हैं, SMS, और जैसा कि मैंने बताया बिजी BNS का भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ से जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे स्टूडेंट के मास्टर के अंदर, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर नोटिफिकेशन चला जाएगा
कंडीशन सिर्फ वन एक ही है कि BNS की एप्लीकेशन उनके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आप बिजी को भी प्रमोट कर सकते हैं इसके इस तरीके से कि उनकी जो फीस रिसिप्ट है या फीस की जो ड्यू है वो पेरेंट्स के मोबाइल पर चली जाएगी मंथ एंड पे या जिस भी दिन आप उसको जनरेट करेंगे। ये लीजिए सर, अब हाफ पेज की थी तो थोड़ी सी इसमें हो सकता है अलाइनमेंट का थोड़ा इशू रहेगा, वो हम सेट कर सकते हैं। तो हम इसमें गैप दे सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की आ गई है, ठीक है, क्लास सिक्स के अंदर हमारे पास दो स्टूडेंट थे और दोनों की फीस रिसिप्ट हमारे पास आ गई है वन शॉट के अंदर, अगर हमें जनरेट करनी है तब। इसी तरीके से हम SMS भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं बल्क में। फिर आगे हमारे पास फीस रजिस्टर्ड स्टूडेंट क्लास मंथली और क्वार्टरली, ये भी देख लेते हैं सर एक बार। ग्रुप ऑफ अकाउंट और क्लास सिक्स कर दिया हमने, किस सेक्शन की देखनी है ये आप कर सकते हो सर, कि क्लास तो आ गई ग्रुप बना दिया, सेक्शन का बाइफर्केशन भी मिल जाएगा। अब इम्प्लीमेंटेशन समझने का कंसेप्ट यही है, बिजी में हम सभी को बताया कि अकाउंट कैटेगरी का ऑप्शन हमने काफी रिपोर्ट्स में दिया हुआ है और लेटर ऑन कुछ और रिपोर्ट्स में भी आएगा, तो उसका यूज इसीलिए हमने एज अ सेक्शन किया कि क्लास तो एक हो गई लेकिन वो क्लास में किस सेक्शन का स्टूडेंट है वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि ए सेक्शन का या बी सेक्शन का। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि दीपक सिंह था, अप्रैल की फीस सर आ गई है। अब ये फीस आ नहीं गई है, ये सिर्फ ड्यू करने की एंट्री है, सेल्स की रिपोर्ट खुल रही है। सेल्स के लिए, सेल्स का वाउचर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, फीस को ड्यू करने के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मिस्टेक ना हो कि हम ये समझे कि फीस रिसीव हो गई है, फीस रिसीव यहाँ से पता नहीं लगेगी, यहाँ से सिर्फ ड्यू पता लगेगा कि किस किस का और किस मंथ में हमने ड्यू कर दिया है। जैसे अगर हम सबका देखते हैं अगर एक बार, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, ये लीजिए सर। अब ये पता लग जाएगा कि इनकी मई में ड्यू हुई है, जुलाई में ड्यू हो गई है, इनकी किस मंथ में ड्यू हो गई है। इस सेम रिपोर्ट को आप क्वार्टरली वाइज भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सेल्स एनालिसिस में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारे पास, मंथली भी, क्वार्टरली भी और डेट रेंज वाइज भी, तो उसको अलग अलग तरीके से आप यूज करवा सकते हैं। मॉडिफाई स्टूडेंट प्रोफाइल इन बल्क, ये देख लेते हैं। ये ऑप्शन दे दिया कि स्टूडेंट में अगर बल्क में कुछ अपडेट करना है, जैसे कब जरूरत पड़ेगी, जब ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, स्टूडेंट पास करेंगे और क्लास प्रमोट होगी, तो सबके आपको ग्रुपिंग चेंज करनी होगी सर। तो ग्रुपिंग वन शॉट के अंदर आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और लोड मास्टर किया हमने, अकाउंट ग्रुप सन्ड्री डेटर्स टो लिस्ट ब्लैकटॉल, ओके। अब ये तो सिर्फ वो फील्ड्स थी जो अभी हमने कॉन्फ़िगर की हुई हैं, बाकी हम इनको अपने अकॉर्डिंगली जो हमें फील्ड्स अपडेट करनी है या मॉडिफाई करनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉट में सबका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट प्रोफाइल है जो बल्क में अपडेट किया जा सकता है क्लास वाइज और सेक्शन वाइज। और ये स्टूडेंट प्रोफाइल की लिस्ट वही है सर जो मैंने भी आपके साथ शेयर करी, कुछ इस तरीके से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ये सर वो लिस्ट आ गई कि अगर एक शॉट में चाहिए उनको किसी क्लास की, इंस्टेंटली किसी प्रिंसिपल ने मांग ली इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी क्या डिटेल्स हैं, तो वो आप यहाँ से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं शॉर्टकट के बेसिस। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने यूज करे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल के लिए। और बाकी और भी चीजें होती हैं जो इसको और यूजर फ्रेंडली बना सकता है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सर वॉलपेपर लगाया हुआ है हमने, लोगो लगाया हुआ है स्कूल का, ठीक है। एजेंट हम कॉन्फ़िगर कर ही देंगे डेटा सिक्योरिटी के लिए, एंड BNS का यूज हम करवा सकते हैं अगर स्कूल वाले भी हमारे साथ एग्री होते हैं और पेरेंट्स उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये सारे फीचर्स थे। अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखेंगे तो अभी हमने इसमें GST इनेबल नहीं किया हुआ है, GST इनेबल नहीं किया हुआ है। अब किसी सिनेरियो में अगर रहता है तो आप इसको GST इनेबल करके भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई 1% भी चेंज नहीं आएगा। हम सभी को पता है कि GST इंप्लीमेंट करने से जो हमने अभी फीचर यूज करे हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फीस अगर ड्यू करनी है तो यहाँ पे सेल टाइप आ जाएगी हमारी, और इनके अंदर सिर्फ हम टैक्स कैटेगरी दे देंगे यहाँ पर, और बॉटम में हम इस पे सर्विस चार्ज या GST जो भी हमारा चार्ज होता है एजुकेशन सर्विस के केस में वो हम यहाँ पे चार्ज करके और बिल को रेज कर सकते हैं। तो GST इनेबल बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कुछ स्टॉक वगैरह है स्कूल का जो मैनेज करना है तो आप इसमें इन्वेंट्री ऑन करेंगे मटेरियल सेंटर, अदरवाइज मटेरियल सेंटर की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो जब क्योंकि फ्रेश कंपनी बनती है तो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ।
तो सर उम्मीद करता हूँ कि ये वाली प्रेजेंटेशन या ये जो हमने स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रिपेयर किया है आप सभी लोगों को यूजफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा सेशन के दौरान, और मैं एबल रहूँगा इसके कारण, और मैं समझाने में और क्लियर करने में चीज़ों को समझ रहा हूँगा अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान।